चलो अब तुम लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा सब कुछ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चैट हम नहीं देख पाएंगे, बेकार का चैट मत करना, कोई फायदा नहीं है। पर हाँ, जब बोलेंगे चैट करने तब करना, ठीक है। तुम लोग के पास बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके पास क्वेश्चंस होगा, कुछ लोगों के पास क्वेश्चंस नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चंस हो नहीं हो हम सारा क्वेश्चन बताएंगे एक लाइन का, ठीक है। और जैसे ही क्वेश्चन एंड होगा क्लास हम एंड कर देंगे, ठीक। चलो देखो, यहाँ सुनो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन। देखो क्वेश्चन नंबर वन हम बोल रहे हैं, हम मानते हैं तुम लोग के पास क्वेश्चन नहीं है, हर एक क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे, ठीक है। एक्सप्लेन क्या करना चाहेंगे, देखो ये क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं, सबसे पहले ये बताओ, दो तीन फॉर्मूला से सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। पहला फॉर्मूला है आई इक्वल टू क्यू बाई टी, ये सबको पता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है करंट, ठीक है। तो आई इक्वल टू क्या है, क्यू बाई टी है, ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए, ठीक। और क्यू इक्वल टू होता है एन इंटू ई, यहाँ एन क्या है, इंटीजर है, एन क्या है, इंटीजर है, ठीक है। और ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है। और जब कैलकुलेशन में लोगे तो इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड लेना, क्या लेना, तुम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना, यानी 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू डेल्टा वी होता है, ठीक है, ये होता है, ठीक। तो डेल्टा वी बराबर होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये होगा, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा कोई फॉर्मूला है या नहीं है तो हम देखते हैं। तीसरा कुछ नहीं है, तीसरा जोड़ घटाओ की बात है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। और तीसरा जो चीज इंपॉर्टेंट है इसमें वो ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट या करंट कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो ये आर वन है रेजिस्टेंस और ये आर टू रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये वी वोल्ट है, ठीक। तो इसमें ये करंट कितना फ्लो होगा, तो आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा तीन चार फॉर्मूला से सारा सवाल तुम लोग का बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं सवाल, ठीक है। कोई मैसेज करना चाह रहा है, पता नहीं क्या लिखा है इसमें। चलो देखो, यहाँ सुनो, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर वन से। मैसेज मत करो, कुछ नहीं पता चल रहा है हमको, ठीक है। इसका मतलब नहीं कि आप कुछ से कुछ मैसेज कर रहे हैं, चलो ठीक है, मास्टर को तो पता नहीं चल रहा है, कुछ गंदा गंदा बात लिख रहे हैं। कुछ लोग तुम लोग में से ऐसे भी होंगे। चलो देखो, यहाँ क्वेश्चन नंबर वन है, इफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 20 μC। देखो 20 μC, ठीक है, 20 μC। माइक्रो को कुल ये मतलब कि 10⁻¹ कूलम, अगर कूलम में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻¹ कूलम, ठीक है। और अगर मान लो मिली हो जाएगा, यहाँ 20 mC रहता है, तो ये कितना हो जाता है, 10⁻³। 20 × 10⁻³ कूलम लिखते हैं, ठीक है। ये दोनों का ही यूज होने वाला है तुम्हारे पेपर में, हम पेपर पर क्वेश्चन पढ़े हैं एक बार। देखो, इफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 20 μC फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ओ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 15 जूल। वर्क डन कितना दिया हुआ है भाई, 15 जूल दिया हुआ है, ठीक है। और चार्ज कितना दिया है, क्यू बराबर कितना दिया है, 20 × 10⁻¹ दिया है, ठीक है, कूलम में। देखो ये ऐसा यूनिट में लिए तो इसको भी ऐसा यूनिट में लेना होगा, ठीक है। उसके बाद देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, तो वर्क डन बराबर क्या होता है, हम बताए थे क्यू इंटू क्या होता है, डेल्टा वी, ठीक है। तो डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल पूछा है ना तुमसे, पोटेंशियल डिफरेंस। इंफिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है, इंफिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है मेरे भाई लोग, जीरो होता है ना, ये बताए होंगे सर। तो डेल्टा वी बराबर क्या लिखेंगे, वर्क डन डिवाइडेड बाई क्यू, ठीक है। वर्क डन कितना है, 15 जूल है, और चार्ज कितना है, 20 × 10⁻¹, यानी कि 15 बाई 20
इंटू 10 to the power 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 3 और ये 4, और यहाँ वोल्ट लगा देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहला सवाल जिससे भी हुआ होगा अच्छा है, पहला सवाल का पहला आंसर सही है, ठीक है। चलो हम लास्ट में पूछेंगे, अगर किसी का डाउट बच जाएगा, ठीक है। ऐसे ये काम करेंगे, 5 नंबर तक बताते हैं, 5 नंबर में किसी को, 5 नंबर के बाद हम एक बार बता देते हैं, और 5 नंबर तक फिर भी किसी का डाउट रह जाता है मेरे बताने के बाद भी, तो तुम लोग चैट करना, ठीक है। अभी चैट करने से कोई फायदा नहीं है, अभी तो हम देख ही नहीं पाएंगे। कैलकुलेट द EMF ऑफ द बैटरी इफ वर्क डन बाय द बैटरी इज 20 जूल। इस बैटरी का हमको EMF निकालना है, ठीक है, और इसमें चार्ज जो फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 2 कूलम हो रहा है, ठीक है। और वर्क डन जो बैटरी कर रहा है वो कितना कर रहा है, 20 जूल कर रहा है, ठीक है। तो बताओ ये फिर सेम फॉर्मूला, वर्क डन बराबर क्या होता है, क्यू इंटू डेल्टा वी। तो डेल्टा वी बराबर क्या होगा, वर्क डन बाई क्यू। तो वर्क डन कितना कर रहा है बैटरी, 20 जूल। चार्ज कितना जा रहा है, 2, तो ये कितना हो गया, 10 वोल्ट। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 10 वोल्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल, 3 नंबर। तुम लोग कोई कॉपी भी नहीं कर रहे होगे, हमको उम्मीद है तुम लोग बिल्कुल ही मजा ले रहे होगे कि चलो ठीक ही है, अच्छा है, ये आज पेपर डिस्कशन हुआ, आज तो पढ़ना नहीं है। अगर कोई चाहे तो कॉपी या स्क्रीनशॉट ले सकता है भाई, ठीक है। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा, अभी भी हम देख रहे हैं कुछ लोग मैसेज करते जा रहे हैं, उसका मैसेज ना ही हम देख रहे हैं ना ही कोई और देख रहा है, उसको करने का क्या मतलब, हमको तो समझ ही में नहीं आ रहा है। मानसिक संतुलन बिगड़ गया। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इज रिक्वायर्ड टू डू 100 जूल ऑफ वर्क टू कैरी ए चार्ज ऑफ 10 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है। वर्क डन दिया हुआ है मेरे भाई लोग, वर्क डन कितना दिया है, 100 जूल, ठीक है। देखो हम इसलिए डायरेक्ट ऐसे ऐसे कर रहे हैं क्योंकि जो तुम कॉन्सेप्ट समझे हो, ठीक है, वो तो चलो DPP तक ठीक है, DPP भी तुम कॉन्सेप्ट लगा के करो, पर जो सवाल एग्जाम में तुम करते हो, ठीक है, उसमें तो तुम्हारा शॉर्ट ट्रिक काम आएगा। तो तुम इतना मत सोचो कि अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, चुपचाप देखो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस तुमसे पूछ रहा है, ठीक है, डेल्टा वी तुमसे पूछ रहा है, और वर्क डन दिया हुआ है, ठीक है, कैरी ये चार्ज क्यों कितना दिया है, 10 कूलम। बस तुमको ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, वर्क डन बराबर क्या होता है, क्यू इंटू डेल्टा वी। तो डेल्टा वी बराबर क्या होगा, वर्क डन बाई क्यू। वर्क डन कितना है, 100 जूल, और चार्ज कितना है, 10, तो कितना हो गया, 10 वोल्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इफ आई इजकल टू 30 एम्पेयर, आई कितना है, 30 एम्पेयर, ठीक है। फाइंड आउट चार्ज फ्लोन थ्रू गिव क्रॉस सेक्शन थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन इन 3 सेकेंड, ठीक है। टी इजकल टू 3 सेकेंड दिया हुआ है, 3 सेकेंड में जैसे मान लो ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक, चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव करेगा, चलो इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने अभी तक इलेक्ट्रॉन को ही मूव करवाया है, तो ज्यादा हम तुमको कंफ्यूज नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है, ठीक है। तो बता रहा है कितना इलेक्ट्रॉन मूव किया है, ये पूछ रहा है, ठीक है, तुमसे इनडायरेक्ट यही पूछ रहा है। तो देखो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, आई इजकल टू क्यू बाई टी। तो क्यू इजकल टू क्या होगा, आई इंटू टी, ठीक है। तो आई कितना है, 30, और टाइम कितना लग, 3, तो ये कितना हो गया, 90 कूलम। काफी आसान सवाल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल हम कर रहे हैं सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद किसी को डाउट होगा, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम वेट करेंगे, मैसेज देखेंगे, क्योंकि लैपटॉप तो है नहीं, तो मोबाइल में देखेंगे हम पीछे जा करके मोबाइल को, और तुम लोग जो भी होगा तुम लोग डाउट बताना। इफ क्यू इजकल टू -3 कूलम, क्यू इजकल टू -3 कूलम, वी इजकल टू 10 वोल्ट, वी इजकल टू 10 वोल्ट, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोला है, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 होता है, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ तुमसे क्या पूछा है, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी
पोटेंशियल एनर्जी बोला है। देखो पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू बराबर क्या होता है, क्यू इंटू डेल्टा वी होता है, तो क्यू कितना है माइनस थ्री और डेल्टा वी कितना होगा फाइनल माइनस इनिशियल 10 वोल्ट है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 30 जूल। ठीक, चलो ये क्वेश्चन नंबर 5 तक अगर किसी को डाउट है, रह गया है डाउट तो वो हमको बताएं। आयुष्मान क्या जीवन में दिक्कत है तुमको, हाथ खड़ा करके रखे हो? बताइए कोई है? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी है, ठीक है, चलो ठीक है, हम समझ गए। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का है, पहले 1 पे आते हैं। इफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकुलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ओ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 15 जूल, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट गिवन पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकुलम, क्यू बराबर कितना है 20 माइक्रोकुलम है, ठीक है, तो 20 माइक्रोकुलम मतलब 20 × 10⁻⁶ कूलम, ठीक है। ठीक, उसके बाद बोल रहा है फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट ओ, इन्फिनिटी टू पॉइंट ओ है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 15 जूल, वर्क डन कितना दिया हुआ है 15 जूल दिया हुआ है, ठीक है, देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है तुमसे क्या होगा, तो वर्क डन बराबर क्या होता है क्यू इंटू डेल्टा वी होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्यू इंटू डेल्टा वी होता है, तो यहाँ पे वर्क डन निकालना है, 15 दिया हुआ है, क्यू तुमको दिया हुआ है कितना 20 × 10⁻⁶, तो डेल्टा बी बराबर क्या आ जाएगा 15 / 2 × 10⁻⁶, ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बताओ? अरे बोलो यार, आ रहा है या नहीं आ रहा है तुम लोगों को डेल्टा बी? अभी बताओ किसी को इसमें दिक्कत है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 जो हमसे पूछा था बताइए, हम देख रहे हैं।